Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 8 students, as you can see in this video, we are going to begin a brand new chapter, chapter number 15, जिसका नाम है The Outsider. Let me tell you, ये basically एक chapter नहीं, एक poem है, एक कविता है. अब इस कविता का क्या explanation है, line to line हम पूरे video में समझेंगे. क्या क्या figures of speech दिए गए हैं वो सब मैं explain करूँगी, तो video के बिल्कुल end तक बने रहिएगा. आइए शुरुआत करते हैं सेशन की. नाउ शुरुआत करने से पहले अगेन आ गया मेरा एक छोटा सा वार्म अप क्वेश्चन कि पूरी कविता होने किसके बारे में वाली है, तो उससे पहले हम थोड़े से कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला सवाल है, हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्संस सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल. अब बोलोगे मैम टाइटल पढ़ के तो ये लग रहा है आउटसाइडर यानी किसी टूरिस्ट की बात कर रहे होगे, लेकिन जैसा सवाल आपने पूछा है उससे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है. बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी पूरी पोएम है इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकली और जो है विजुअली चैलेंज्ड पीपल. चैलेंज यानी क्या कि हो सकता है कुदरती उनको जो है फिजिकल पार्ट में कोई दिक्कत हो, जैसे उनके हैंड में कोई दिक्कत हो, हैंड वर्किंग नहीं हो, पैर में दिक्कत हो, या फिर विजुअली जिनको दिखता नहीं हो, सुनाई नहीं देता हो, तो ये सब जो है कुदरत से उनको नहीं मिला है, तो वो लोग क्या हमारे जैसे ही होते हैं या हमसे अलग. आपको क्या लगता है, अगर आपने आसपास किसी को देखा हो ऐसे, अपने जो भी थॉट्स हैं इसके ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. और ज़रा ये बताइए कि उनमें और हम में फ़र्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या क्या होती हैं. जैसे हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि अगर कुदरत कोई चीज़ लेती है तो भाई देती भी ज़रूर है. अगर कोई इंसान हैंडीकैप्ड होता है ना, लेकिन उनका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो चीज़ें हम आंखें खोल के नहीं समझ पाते हैं वो बिना आइज़ के भी समझ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है. एंड अब एक चीज़ और बताओगे मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगती है, हाउ आर दीज पीपल या हाउ आर दीज पर्सन्स जनरली व्यूड और ट्रीटेड बाय पीपल. आप कभी भी मान लो आप जा रहे हो, है ना, आप वॉक करके जा रहे हो या फिर आप ट्रेन से जा रहे हो, आपने किसी हैंडीकैप्ड इंसान को देख लिया तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं उन्हें. आपको क्या लगता है कि कोई बहुत बेचारा समझता है ना, या कोई पूरे टाइम दया ही करते रहते हैं, है ना, या फिर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता है. तो यानी किस टाइप से नज़रिया रहता है वो आप शेयर करिए, और आपको क्या लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, हमें उनको पॉजिटिवली देखना चाहिए, ना कि वो सिर्फ हैंडीकैप्ड है. हमें ये समझना चाहिए कि वो भाई स्पेशली एबल्ड हैं, उनके पास और बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं. तो अगर आपके कुछ व्यूज़ हों डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. अब फाइनली शुरुआत करते हैं हम हमारी पोएम की, बिकॉज मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आइडिया हो गया होगा. सो पोएम को हम पोएम की तरह ही पढ़ेंगे. पहला स्टैंजा आता है, आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हीलचेयर बाउंड, एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh. So यहाँ पे कविता शुरुआत होती है I am करके. So I am basically यहाँ पे कौन है, हमारे जो speaker हैं, हमारे जो narrator हैं, वो यहाँ अपनी बात कर रहे हैं. यानी ये जो कविता है ये किसी handicapped इंसान ने लिखी है. उन्होंने कहा है I am handicapped. हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, अक्षम, यानी कोई जो है उनके बॉडी का पार्ट वर्किंग नहीं है. एंड जब उन्होंने कहा व्हील चेयर बाउंड, व्हील चेयर आप लोग समझते होंगे जो लोग जिनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है या चल नहीं सकते हैं, तो वो व्हील चेयर पे रहते हैं. तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि जो स्पीकर हैं उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो व्हील चेयर बाउंड. बाउंड का मतलब क्या होता है, व्हील चेयर तक सीमित थे. जैसे हम लोग भाई शुक्र किया करो हर दिन उठ के कि भाई आप चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, है कि नहीं, डांस कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, लेकिन वो कैसे हैं, व्हील चेयर तक सीमित है, ऐसा हमारे स्पीकर कहते हैं. नेक्स्ट लाइन सेज एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड. अब ऐसे से क्या अपेक्षा की जाती है जिनके पैर वर्किंग नहीं है कि आप व्हील चेयर पर बैठो, है ना, और ज़्यादा शोर शराबा मत करो. नॉट मेक अ साउंड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि हमारे जैसे आम जिंदगी वो शायद नहीं जी सकते. जैसे अभी मेरा मन किया मैं उठ के वहाँ तक चल के जा सकती हूँ, है कि नहीं. अभी आपको मन किया कि यार मुझे चॉकलेट खानी है, तो मैं 2 मिनट उठी, गाड़ी उठाई और हम लेके आ गए क्या, दुकान से चॉकलेट. तो विच मीन्स वॉट एवर वी थिंक दैट वी कैन डू. बट ओवर हेयर यहाँ पे उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि भाई तुम्हारे पैर जो है वर्क नहीं करते हैं, तो तुम जो है व्हील चेयर पर बैठो और कोई ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट मत करो, है ना, या फिर किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है. राइट, जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय. जस्ट टू स्माइल यानी अपनी जगह पे बैठे हुए बस मुस्कुराते रहो और दुनिया जैसी चल रही है, लोग बढ़िया अपने काम कर रहे हैं, भगदड़ कर रहे हैं, उन्हें देखते रहो. विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साई. सेंटली पेशेंस, पेशेंस का मतलब सबको पता है ना, धैर्य। सेंटली का मतलब क्या होता है, संत की तरह। आप समझते हैं संत पुरुष ये सब कौन होते हैं, जो बिल्कुल ही दुनिया चल रही है और शांति से एक जगह मुस्कुराते हुए सभी चीज़ों को देखते हैं। तो वैसे ही उम्मीद की जाती है इनसे, यानी स्पीकर बताते हैं कि भाई हम जो व्हीलचेयर वाले होते हैं हमसे क्या उम्मीद करी जा रही है कि एक जगह बस बैठे रहें, बस मुस्कुराते रहे लोगों को देख के, है ना, और दुनिया चलती रहे। एंड नेवर साई, नेवर साई यानी कोई कराहना नहीं करनी है उसकी, है ना, कोई दुख नहीं मनाना है, नॉर्मली अपनी जगह जो है बैठे रहना है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या पता चलता है, नरेटर अपनी स्थिति बता रहे हैं वो कि ये स्थिति है, अगर हम हैंडीकैप्ड हैं तो ऐसा लगता है ना वर्ल्ड के लिए हम एक अलग ही टाइप के लोग हैं, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो एक बाउंड्री आ ही जाती है कि ये थोड़े अलग लोग हैं, तो वैसा ही वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, इनसाइड माय हेड थॉट्स कम एंड गो, Ideas are born which long to flow. Flow from my lips and link me with others. But words sound strange as no one bothers. So यहाँ पे वो कहते हैं inside my head, यानी मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे हैं, जैसे आपके सभी के, आप सब नॉर्मल लोगों के चलते हैं दिमाग में ख्याल, आते हैं जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। आइडियाज बॉर्न होते हैं यानी आइडियाज जन्म लेते हैं। जैसे देखो आप अपनी लाइफ में हो, कुछ ना कुछ आइडियाज आते होंगे ना कि मुझे जीवन में ये करना है, अरे जीवन छोड़ो अगले महीने मुझे जो है कोई स्विमिंग क्लास जाना है या ये करना है। तो कहीं ना कहीं आइडियाज आते हैं कुछ बड़ा करने के, कुछ अच्छा करने के, दुनिया के लिए, मैनकाइंड के लिए, है कि नहीं। तो आइडियाज इनके दिमाग में भी आते हैं और वो लंबे तक चलते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विद अदर्स, यानी ऐसा लगता है कि वो आइडियाज़ मेरे दिमाग से आते हुए, फ्लो यानी बहते हुए मेरे होठों तक आते हैं, और मन करता है कि मैं दूसरों से बात करूं, उनके साथ लिंक करूं, या अपने बड़े बड़े आइडियाज शेयर करूं। बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनके शब्द जो है स्ट्रेंज, अलग ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि नो वन बॉदर्स, बॉदर का मतलब है फर्क पड़ना। सो नो वन बॉदर्स यानी जब ऐसा है, इनका मानना है कि भाई ये हैंडीकैप्ड है, तो अगर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें जो है ये बात आम सी लगती है, मामूली सी लगती है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बता रहे हैं नरेटर कि उनको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, यानी जैसे आइडियाज़ किसी और के दिमाग में आ सकते हैं, उनके दिमाग में तो बड़े आइडियाज़ आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या कोई बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये आइडियाज़ जब वो शेयर करते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो वन बॉदर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो और अपना व्यक्त कर रहे हैं कि हाउ आई एम नॉट टू मच यू नो इम्पॉर्टेंट इन एवरी वन्स लाइफ, कि अगर जैसे कोई नॉर्मल इंसान आइडिया शेयर करे तो उसे बोलेंगे वाह क्या आइडिया है, बट अगेन इनके आइडियाज़ को बहुत स्ट्रेंज साउंड करते हैं, नो वन बॉदर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, I cannot perform the simplest task, but I have a mind and I am still there. Don't lock me out in your ignorance there. तो अब थर्ड स्टैंजा में कहानी कैसे बदलती है, यहाँ पे वो जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं। पहले दो स्टैंजा में वो अपनी स्थिति बता रहे हैं, कंडीशन की कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, अब थर्ड स्टैंजा में वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं मैं कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, मेरी क्या इच्छाएँ हैं। तो वो कहते हैं माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, क्या है कि मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बात ऐसी है कि जीवन के जो सिंपलेस्ट टास्क है ना, व्हाट आर सिंपलेस्ट टास्क, तो बहुत आसान है बेटा। आप अगर मान लो आपको सिंपली किचन तक जाना है, पानी का ग्लास लेना है आना है, आपके लिए बहुत सिंपल होगा। या फिर कोई और दूसरा टास्क करना है, मान लो ऊपर जो है कबर्ड के ऊपर वाले शेल्फ में कुछ रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, चेयर लोगे, चढ़ोगे, उतार दोगे। दीज आर सिंपलेस्ट टास्क, यानी ऐसे टास्क जो हमने डेली लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं स्पीकर कि मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता अपने आइडियाज़ के लिए, क्योंकि शायद मैं दुनिया के जो लाइफ के हैं सिंपल बहुत आसान से कार्य करने में भी मुझे दिक्कत आती है, जो कि शायद एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो खुद पे संकोच करते हैं कि शायद मैं क्यों नहीं बता पाता अपने आइडियाज़, या कोई किसी के लिए क्यों नहीं मैटर करते होंगे, बिकॉज मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ और मैं छोटे छोटे जीवन के टास्क नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट दो लाइन में वो कहानी बदलते हैं। यहाँ तक तो वो बड़ा जो है दुखद टाइप का चल रहा था कि वो दुखी हो रहे थे, बट आगे जो है वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बट आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, कहते हैं जो भी हो ठीक है, मानते हैं कि हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, कुदरत से हमें नहीं मिला ये भाई, है ना, लेकिन मेरे पास अपना खुद का माइंड है, माइंड यानी कि अपना दिमाग है जो कि नॉर्मली सबकी तरह फंक्शन करता है, एंड आई एम स्टिल देयर, और मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ, लाइफ में देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, सो लास्ट लाइन में बिल्कुल उन्होंने टोटल रिक्वेस्ट करते हैं, डोंट लॉक मी आउट। लॉक का मतलब क्या होता है, जब आप घर से बाहर जाते हो घर को ताला लगा देते हो, यानी अंदर कोई नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कहते हैं कि अपनी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी क्या हुआ, अज्ञानता, यानी आप किसी को इग्नोर कर रहे हो कि वो मैटर ही नहीं करता है, होता है ना कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप इग्नोर करते हो। तो वही कहते हैं कि अपनी इग्नोरेंस में मुझे जो है बंद मत कीजिए, मुझे भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि मेरा माइंड भी सेम है। ऑल्दो आई नो मेरे पैर वैसे वर्क नहीं करते, लेकिन अपने ब्रेन से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे ला सकता हूँ। तो थर्ड स्टैंजा में वो क्लियरली बताते हैं, एंड ये किसको बता रहे हैं, हम सभी को, यानी आपकी लाइफ में भी कभी आपके आसपास भी हो कोई, है ना, आप किसी से मिलते हैं जो कि हैंडीकैप्ड हो, तो उन्हें हैंडीकैप का मतलब ये नहीं है आप ये समझे कि भाई वो कमज़ोर हैं या हम उनको पूरे टाइम बेचारा समझना है, हमें उन्हें उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। और वो स्पेशली एबल्ड है भाई, हमें इतने हाथ पैर सब दे दिए तो हम कोई महान तो नहीं हो गए भाई, है कि नहीं, उनके पास भी वही दिमाग है, हमारे पास भी वही दिमाग है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी लाना हमें स्टार्ट करनी है, यही बताना चाहते हैं स्पीकर। यहाँ पे आते हैं हम हमारे लास्ट स्टैंजा पे, टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, touch me, include me, hold my hand. I am alive and I have time to give. Let me share in the life I was given to live. So again, जैसे मैंने कहा लास्ट स्टैंजा में आते आते एक पॉजिटिविटी आ जाती है। इनिशियली वो अपनी बातें बताते हैं थोड़ी दुखी होके, बट नेक्स्ट वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाते हैं कि talk though I seem not to understand, कि हो सकता है कभी कभार ऐसी कुछ बातें हों जो मैं नहीं समझ पाऊँ, लेकिन मुझसे बातें तो करो। अरे आपने घर में कोई छोटे बच्चे देखे होंगे, है ना, बचपन से हम उनके साथ कितनी बातें करते हैं, कुछ समझ पाते हैं 1-2 साल का बच्चा मुश्किल से, लेकिन जैसे ही 4, 5, 6, 7, 8 बोलो समझने लगा ये तो अपने आप ही, है ना, हमने उसको कोई इंजेक्शन तो दी नहीं। लेकिन क्या होता है जब धीरे धीरे पेरेंट्स, आसपास वाले लोग बात करते हैं तो बच्चा समझता है, अच्छा ये मेरा नाम है, ये मेरी मम्मा है ना, ये घर है, तो धीरे धीरे समझता है। सिमिलरली यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं हैंडीकैप्ड हूँ, हो सकता है मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आए, लेकिन मुझसे बात तो करो, हो सकता है धीरे धीरे, यू नो टाइम हील्स एवरीथिंग, तो धीरे धीरे करके वो भी ये बातें समझने लगेंगे। टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, यानी साथ दो मेरा, यार जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, है कि नहीं, हाथ पकड़ के चलो भाई अपन चल रहे हैं, या दोस्तों से गले मिलते हो, तो वही ये कहते हैं कि मुझे भी अपना एक नॉर्मल दोस्त ही मानो, है ना, मुझे भी इंक्लूड करो अपनी बातों में, अपनी जो भी कॉन्वर्जेशन है उसमें। I am alive and I have time to give, वो इतना उसमें कह रहे हैं कि भाई मैं भी जिंदा हूँ, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन देखी होगी, उनके आसपास ऐसे लोग रहे होंगे हमारे नरेटर के, कि लिटरली उनको एक डेड इंसान कौन होता है जिस पे आप ध्यान ही नहीं दो, तो यानी एक हैंडीकैप्ड इंसान को इतना ज़्यादा अलूफ कर देते हैं, इतना ज़्यादा अलग कर दिया जाता है कि उनको सही में ये लाइन बोलनी पड़ी कि आई एम अलाइव, कि भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे पास वक्त है देने को, सो आप मुझे भी जो है नॉर्मल लाइफ के एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कीजिए जितना भी हम कर सकें। लेट मी शेयर इन दी लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, तो जो जीवन मुझे ये मिला है इतना प्रेशियस होती है ह्यूमन लाइफ, तो मुझे इसको जीने का मौका दो, एंड आप सभी के साथ ही जीने का मौका दो। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बातें क्लियर होती हैं। अगेन इसमें नरेटर का नेम जो है एनोनिमस है, उनका नेम नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ नाम से ज़्यादा जो है ना इनके मैसेज का इंपॉर्टेंस है, जो कि आप सभी समझे होंगे। सो विद दिस वी एंड दी वंडरफुल पोएम The Outsider, एंड आई होप अब आप लोग को जो है ना पोएम का टाइटल बिल्कुल समझ आ गया होगा। आउटसाइडर से इनका मतलब ये है कि जिसको थोड़ा बाहर वाला माना जाता है, लेकिन अब जो है हम लाइफ में ये चेंज ज़रूर लाएंगे। तो वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।